ये देखो ये लड़का तगड़ा जानता है। देखो यार तुम लोग यार बता नहीं पाते बच्चा सब। विकास ओका क्लास में पढ़ा के नाम जी। अच्छा हिंदी रोडल की पढ़ा के ना बंग तो खाली संथली। अभी इसमें से कोई बच्चा है जो क्या बोलता है हिंदी बोल पाएगा? बंग पढ़ा के ना चिन्ह तुम ना बाबा माँ कृष्णा मुर्मू ओका क्लास पढ़ा के ना नर्सरी। तो वे तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ नहाने के लिए। नहाने? देखो ये लड़का हिंदी बोल रहा है तगड़ा वाला। अच्छा मुझे ये बात बताओ तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नर्सरी स्कूल। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो कैसे दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी मैं हूँ सुगावथन गांव जो कि झारखंड का एक सबसे खूबसूरत गांव है दोस्तों। और यहां पर एक छोटा सा नदी है देख सकते हैं हमारे जस्ट बाजू में है। और यहां पर बच्चे लोग खेल भी रहे हैं। कैमरा मैन थोड़ा बच्चे लोग को फोकस करो। और अभी हम लोग बच्चों से थोड़ा बातचीत करेंगे दोस्तों और आपको वीडियो के माध्यम से हम बच्चों का विचार आप लोग तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत बढ़िया जगह है मस्त एकदम किनारे वाला जगह है। और ये नदी किनारे एकदम छोटा ज्यादा बड़ा नदी नहीं है। ये कौन सा नदी है? ओ बाबू लोग क्या कर रहे तुम लोग? हाँ चीची कह रहे हैं हम भागो नहीं वीडियो बना रहे हैं भागने का नहीं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा बताओ? मेरा नाम राजू है। राजू कौन से क्लास में पढ़ते हो? पढ़ते नहीं है। पर क्या करते हो बताओ? फिर भी गरु बगल मतलब गाय चलाते हो? हाँ। और फिर क्या करते हो? कुछ नहीं। क्या करते हैं पापा तुम्हारा? कुछ नहीं काम करने जाते हैं। काम करने जाते हैं बाजार। और पढ़ाई छोड़ दिया तूने? पढ़ाई हाँ। क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? पढ़ने का नहीं यार नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे गरीबी खत्म होगा? हैं कैसे इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा कैसे बड़ा बड़ा आदमी बनेगा? पढ़ाई तो छोड़ दी। अभी स्टार्ट करो अभी तो तुम बच्चे हो क्या जरूरी है छोड़ना? छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेंगे बताओगे? चल कितना क्लास तक पढ़ाई की हो बताओ? कुछ पढ़ाई नहीं की हो? नहीं। अच्छा चलो इससे बच्चों से बात करते हैं। चिन्ह तुम का ना बाबू? विकास। ओका क्लास पढ़ा के नाम? जी। अच्छा हिंदी रोडल की पढ़ा के ना बंग तो खाली संथली। अभी इसमें से कोई बच्चा है जो क्या बोलता है हिंदी बोल पाएगा? बंग पढ़ा ना चिन्ह तुम ना बाबू माँ कृष्णा मुर्मू ओका क्लास पढ़ा के ना नर्सरी। तो वे तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ नहाने के लिए। नहाने? देखो ये लड़का हिंदी बोल रहा है तगड़ा वाला। अच्छा मुझे ये बात बताओ तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नर्सरी स्कूल। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम हाँ क्या नाम है बताओ बाबू? क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम बताओ बाबू प्लीज नाम बताओ इसका। स्कूल का कौन से स्कूल में तुम पढ़ते हो? हमारा स्कूल नहीं तुम चिकना। अच्छा आम ओका होली फैमिली स्कूल होली फैमिली परियाड़ गोड़िया। अच्छा ये परियाड़ वाला हम इसको होली फैमिली पढ़ते हो? अच्छा अच्छा कौन से क्लास में पढ़ते हो? वन क्लास। अच्छा वन का स्पेलिंग क्या होता है बाबू जोर लगा कोशिश करो क्या होता है वन का स्पेलिंग? ओ बोलो और ओ ई। देखो ये लड़का तगड़ा जानता है। देखो यार तुम लोग यार बता नहीं पाते बच्चा सब बता जाता है। कितने साल का बाबू तुम है? कितने साल के हो तुम? 7 साल। देखो ये 7 साल का लड़का है इतना छोटा सा लड़का देखो कितना तगड़ा बोलता है ये कैमरे के सामने। इसको कैमरे से हल्का फल्का भी डर नहीं लगता है। तुमको क्या बाबू तुमको डर लगता है हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे तो नहीं डर लग रहा ना? तो ऐसे तुम पढ़ लिख के आगे क्या बनोगे? पढ़ लिख के हाँ क्या बनोगे बताओ? पढ़ लिख कैमरा मैन थोड़ा सामने से फोकस करो इधर से क्या बनोगे पढ़ लिख के बताओ? फोन पर शर्माओ मत क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे। तो डॉक्टर बनोगे तो फ्री में इलाज करोगे कि नहीं? इलाज करूंगा। फ्री में करोगे कि नहीं? हाँ। पैसा लोगे बताओ? पैसा लेगा ना तो ज्यादा बोलो। उतना पैसा नहीं लूंगा जितना लेने लायक होगा उतना ही लूंगा बोलो। इतना पैसा नहीं लूंगा जितना लायक है उतना लूंगा। वेरी गुड। तो बताओ मुझे और स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो? स्कूल में 1-2 और टेबल जानते हो पहाड़ा? नहीं जानते हो। अच्छा देश का प्रधानमंत्री कौन है बाबू बता?
देश का प्रधानमंत्री। बता बता जोर लगाओ, देश का प्रधानमंत्री कौन है बता? देश का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? हेमंत सोरेन की नरेंद्र मोदी कौन है? अच्छा, नरेंद्र मोदी के बारे में सुने हो कभी? नरेंद्र मोदी के बारे? हाँ, कभी सुने उसके बारे में? अच्छा, अपना नाम क्या बताया तुमने? कृष्णा मुर्मू। पापा क्या नाम है? सुनील मुर्मू। क्या करते हैं पापा? पापा काम करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में काम करते हैं, मतलब किसानगिरी करते हैं। देख सकते हो भाई लोग कि छोटा सा लड़का है, कितना खूबसूरत शानदार जवाब देता है। और यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा भी एक कैमरे के सामने कोई फोकस नहीं किया, एक कैमरे सब डर रहा था, लेकिन ये बच्चा इतना छोटा है लेकिन फिर भी तगड़ा शानदार जवाब दे रहा है। अच्छा, अब और कुछ कहना चाहते हो जो मतलब वीडियो देख रहे हैं, जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, तुम और कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। और कुछ? हाँ, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। अच्छा, मैं तुमसे एक दो और क्वेश्चन करूंगा, बताओगे? अगर तुमको आएगा तो बताने का, अगर नहीं आएगा तो नहीं बताने का। मुझे ये बात बताओ, ABCD आता है? हाँ। उसमें कितना लेटर होता है ABCD में? ABCD में जेड। हाँ, जेड तक होता है, वेरी गुड। लेकिन कितना होता है? 20 होता है, 25 होता है, 26 होता है, कितना होता है? अच्छा, ABCD आता है ना तुमको? टोटल सुना तो ABCD? A, हाँ, B, वेरी गुड। C, हाँ, D, ओके, E, और F, वेरी गुड। G, ओके, H, ओके, I, हाँ हाँ, J, K, J K, L, हाँ हाँ, M, N, O, P, Q, R, हाँ हाँ, S, हाँ हाँ, T, U, V, W, X, Y, Z। तो सबको ताली बजाओ, सब ताली बजाओ। देखो ये कितना तगड़ा बच्चे ने कितना तगड़ा जवाब दिया है। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? अरुण हंसदा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2। देखो डरने का नहीं, देखो तुमसे कितना छोटा बच्चा है ये, और कितना तगड़ा आवाज दिया, एक जरा भी इसको डर नहीं लगा। तुम भी इस तरह आवाज नहीं बोलोगे तो कैसे होगा बताओ? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2 का स्पेलिंग क्या होता है? TOO 2। TOO नहीं, TOO। TOO 2। और ABCD में कितने अक्षर होते हैं? अच्छा, तो तुमने क्या नाम बताया? अरुण हंसदा। पापा क्या नाम है? मंगल हंसदा। मंगल। पापा क्या करते हैं? खेती बाड़ी मतलब किसानगिरी करते हैं। हाँ। और कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2 में। हाँ। तो मुझे ये बताओ ABCD में कितने अक्षर होते हैं? कितना होता है? 25 होता है, 26 होता है, 24 होता है, कितना होता है? नहीं पता। अच्छा ये बताओ, 2+2 कितना होता है? 4। 4+4 कितना होता है? 8। 8 और 8 कितना होता है? 16। 16 32। वेरी गुड। और अभी तुम कौन से स्कूल पढ़ते हो? काठीवारी मिशन स्कूल। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। और मुझे एक बात बताओ कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। और एक दिन में रात और दिन मिला के कितना घंटा होता है? 24 ही घंटा होता है। इसमें डरने का नहीं, देखो रात में 12 घंटा होता है और दिन में 12 घंटा, दोनों मिला के 24 घंटा। अच्छा मुझे ये बताओ, 1 से 10 में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 1 से 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 10। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सा है पता है? किसी को पता है बाबू? हाँ, पता है। बता। 9। देखो सब ताली मारो। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सोनू मुर्मू। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2, 1 क्लास में। 1 का स्पेलिंग बताओ, जोर लगाओ, क्या है 1 का स्पेलिंग? ONE। वेरी गुड, सबको ताली मारो। देखो ये बच्चा ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। ONE। क्या नाम है बाबू बताओ? मनीष। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास। यहाँ क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? नहाने। तो अभी तुम लोग नहाया नहीं यार, कब नहाओगे? अभी नहाएंगे। अच्छा अभी नहाओगे। अच्छा तुम लोग गांव में रहते हो और क्या क्या करते हो? यही मतलब नहाने आते हो, खेल कूद करने आते हो, और कुछ मनोरंजन के लिए कुछ नहीं करते हो यहाँ पर? नहीं। तो फुटबॉल वुटबॉल मैच नहीं खेलते हो? खेलते हैं। खेलते हो, लेकिन अभी नहाने के लिए स्पेशल आए हो। तो जाओ नहाओ, थोड़ा इंजॉयमेंट करो। कैसे कैसे जंपिंग मारते हो, क्या क्या करते हो, थोड़ा वो भी देखेंगे ना, वीडियो बनाएंगे। हैं? अच्छा मुझे सोनू ये बताओ कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कोई भी काम देखो छोटा नहीं होता बाबू, सब काम बराबर ही होता है। हमारे पापा भी उसी तरह खेती बाड़ी करते हैं, तुम्हारे पापा जैसे काम करते हैं। क्या काम करते हैं बताओ? ओ, बाहर गया है। बाहर गया मतलब कि गुजरात महाराष्ट्र? कहाँ?
बाहर कहाँ गए हैं? केरल। केरल, अच्छा केरल में काम करते हैं। हाँ। जैसे मैं भी गुजरात में ही काम करता हूँ बाबू, उसी तरह तुम्हारे पापा भी केरल में काम करते हैं। तो मुझे ये बताओ, पढ़ लिख के क्या करोगे आगे? पढ़ लिख के क्या क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड, ताली बजा सबको। ये बात बाबू बोल रहा है, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर बनोगे तो इलाज कैसे करोगे? बढ़िया करोगे ना? पैसा ज्यादा नहीं लोगे ना? गरीब का इलाज करोगे कि नहीं? करेंगे, करेगा ना। हाँ। जैसे देख रहे हो ना, हमारे एरिया में एक भी डॉक्टर नहीं है। अगर बाबू तुम डॉक्टर बनोगे तो सबसे पहले किसको देखने का? गरीबों का इलाज फ्री में करने का, करोगे ना? हाँ। और हमारा दुआ है कि आप जरूर डॉक्टर बनोगे। तो मुझे ये बात बताओ, कोई सा भी टेबल पहाड़ा सुनाओ, एक से दस तक में पहाड़ाता है? एक से दस तक। हाँ। हाँ, कौन सा पहाड़ाता है? नौ का पहाड़ा सुनाओ। अच्छा, पाँच का सुना? पाँच का सुना, पाँच का, पाँच दस पैंतीस पंद्रह पंचक बीस पच्चीस पच्चीस पंचक बाईस पैंतीस पैंठ चालीस पैनम पैंतालीस पैदन पचास। वेरी गुड, इसके लिए ताली बनाओ। ये छोटो क्या नाम है? चिन्ह तुम नाम? सिक्कम। सिक्कम, सिक्कम जी मुर्मू चौड़े टुडू बंग बड़ेगा ना। अच्छा, अम्मा बाबा ची चिका दानी तो ओणा रे मिना गया। अच्छा, हिंदी बंग बड़ेगा ना? तो देख सकते हो दोस्तों, ये एक छोटा सा बाबू है जो कि इसको हिंदी बराबर नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी कोशिश बोलो बाबू, थोड़ा बहुत हिंदी में बोलने के लिए कोशिश। हिंदी में आता थोड़ा बहुत बोलने के लिए? नहीं आता। तुम कहा था बाबू हिंदी बोलने के लिए? आम बड़ा ना हिंदी रोड़ लगे है, आता है ना? बोलो कौन से क्लास में पढ़ते हो? टू क्लास। टू, टू का स्पेलिंग बता, सामने से रिकॉर्डिंग करो। सामने टी डब्ल्यू ओ टू। टी डब्ल्यू ओ टू। अच्छा, कौन से क्लास, क्या बोलते हैं अभी तुम्हारे जिस स्कूल में पढ़ते हो, कौन से क्लास तक है? टेन। कौन स्कूल का क्या नाम है? क्या नाम है स्कूल का? स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सिक्टिया। सिक्टिया मिशन स्कूल। अच्छा, बंद करो तभी रिकॉर्डिंग, बंद करो ना। क्या नाम हुआ? ये कौन जवाब दे रहा था? ये जवाब दे रहा था ना सोनू मुर्मू, तुम्हारे सोनू नाम हुआ ना? मनीष। मनीष मुर्मू, मनीष मुर्मू ना? हेमरोम। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? छोटी मिशन। छोटी मिशन, छोटी मिशन ये पढ़िया हाट। अच्छा, तो तुमको तो अच्छी तरह से आता होगा सब चीज पढ़ाई के बारे में। आओ तब थोड़ा बैठ के बातें करते हैं, आओ थोड़ा बैठते हैं, सब गोल से बैठ जाओ और थोड़ा बहुत बात। आओ बाबू लोग, आओ बैठो, थोड़ा आओ बैठो यार, थोड़ा मजा आजा करते हैं क्या यार, सब तो डेली तुम लोग सब काम करवे करते पढ़ाई दौड़ में। बाबू नंडे सब बैठो सामने, सब मुझे भी, हाँ सब सामने बैठो, सबका रिकॉर्डिंग करने का, कैमरा मैन सब बच्चों का सबको रिकॉर्डिंग फोकस करने का, सब लाइन बाय लाइन सबसे नाम पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले बाबू तुम अपना नाम बताओ। अरुण हंसदा। तुम नाम बताओ? राजीव हंसदा। राजू हंसदा। तुम? मनीष मुर्मू। मनीष मुर्मू। चिन्ह तुम का नाम बाबू? अश्विनी हंसदा। वेरी गुड, ओ साइकिल को थोड़ा आराम से बाबू मत गिरो। चिन्ह तुम का नाम बाबू? अभिषेक हंसदा। अभिषेक हंसदा। हिंदी रोड लगे जो तो बढ़ेगा ना, आम बढ़ेगा ना बांग बांग आम बाबू सोनू मुर्मू। हिंदी बढ़ा लगे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी मैं झारखंड के गांव में हूँ, झारखंड जिले के गोड्डा जिला में हूँ, और ये गांव का नाम सुगाथन है, सुगाथन पड़ता है ये गांव। और यहाँ पर बच्चे लगभग दो चार छः आठ दस बच्चे सब हैं, और ये बच्चों से थोड़ा मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि झारखंड के बच्चे किस प्रकार से टैलेंट भरे हुए हैं। तो इस वीडियो में सारा बच्चों का इंटरव्यू इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा। तो वन बाय वन सबका मैं इंट्रोडक्शन ले चुका हूँ, और इन सबसे बच्चों से थोड़ा बहुत बातें करता हूँ। ये बच्चा जो इसके नाक में थोड़ा क्या बोलता है नेटा निकल चुका है, तो इस बच्चे से मैं थोड़ा बात करूँगा। क्या नाम हुआ बाबू बोलो? अश्विनी हंसदा। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते बाबू? नर्सरी। अच्छा, कुछ आता है एबीसीडी? एबीसीडी आता, सुनाओ एबीसीडी तक सुना सुनाओ। क्यों क्यों नहीं सुनाएगा बाबू, डर लगता है? अरे बाबू हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा वीडियो देखेंगे, बहुत बड़े बड़े आदमी देखेगा तुम्हारा वीडियो, समझा? अगर तुम वायरल हो जाएगा तो तुम यहाँ का हीरो बन जाएगा सुगाथन का। बताओ कुछ इधर ऊपर देखो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे बाबू, हम लोग तो दोस्त हैं, तुम्हारा भाई हम लोग का, तुम लोग का भाई है। क्या नाम बताया बाबू तुमने अपना? अभिषेक हंसदा। अभिषेक हंसदा। हिंदी बता, पता बोलने आता ना हिंदी? नहीं आता। तुम बाबू सोनू नाम है ना? सोनू नाम तुम्हारा। हिंदी बोलने आता है ना?
तो कौन सा, 2 क्लास में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा मुझे ये बात बताओ, एक दिन में कितना दिन होता है, मतलब एक दिन में, एक सॉरी, एक साल में कितने दिन होते हैं पता है? एक साल में कितना दिन होता है कोई बच्चा को पता है? 365 दिन होता है। देखो ये बच्चा फोकस कर बताया है, तो और सब देखो ये थोड़ा तुम लोग से सीनियर है इसलिए बच्चे को थोड़ा पता है। तुमने तो बोला कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं, छोड़ दिए हैं। हाँ तो, तो तुम जवाब तो बराबर दे रहे हो। हाँ तो पता है ना, पता है। अच्छा चलो अच्छी बात है, पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर सब बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे सब हैं, तो इसीलिए थोड़ा बेचारे सब क्या करें जवाब नहीं दे पाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अच्छा मुझे ये बात बताओ, इंद्रधनुष देखो कभी? इंद्रधनुष जो कि बारिश के दिन में होता है, 7 रंग वाला होता है। हाँ, देखे हो ना, उसमें कितने कलर होता है? 7 कलर होता है। चलो ये बच्चा तो बोल नहीं पाता यार, मुझे बहुत डर लगता है कि ये सोचता है मुझे मारेगा नहीं। क्या कुछ बोलो, ओका स्कूल में पढ़ा करना? नर्सरी इन बड़ा करना बाबू स्कूल रची नहीं तुम करना नहीं तुम कठीबरी। अच्छा अडी मोज स्कूल इन्हो कठीबरी तो पढ़ा लेना बड़ा करना। ओका फादर नीत मीना गया, फादर का नाम क्या है बाबू? वो हिंदी बुझ जाता है लेकिन बोल नहीं पाता हिंदी। हाँ नहीं जानते, क्या नहीं जानते बाबू बताओ, क्या नहीं जानते हो तुम? हाँ पढ़ा, रो रहा है क्या? नहीं रोने का, हम लोग थोड़े मारेंगे, हम लोग तो दोस्ती है, हम लोग दोस्ती करने के लिए आए हैं। क्या नाम बताओ बाबू तुम अपना, भूल गया? ये थोड़ा जवाब बराबर दे रहा था। तुम क्या नाम बताया? सोनू। अरुण। अरुण हंसदा। अच्छा अरुण 2 क्लास में पढ़ते हो ना? हाँ। अच्छा ये बात बताओ, ये पेड़ का जो पत्ता होता है वो कौन सा रंग का होता है? पीला होता है, लाल होता है, सफेद होता है, कैसा कलर का होता है, कैसा रंग का होता है? ए जवाब नहीं देगा, तुम होशियार है। पेड़ का पत्ता देखे हो? हाँ। पेड़ समझते हो क्या होता है? तो उसमें पत्ता किस रंग का होता है? हाँ? किस रंग का होता है पेड़ का पत्ता? नहीं जानता है। देखो हंसने की बात नहीं है बाबू, पेड़ का पत्ता देखो किस रंग का है, देखो कैसा रंग का है, हरा, हरा। हरा देखो, कौन जवाब दिया? देखो क्या नाम है बाबू? मनीष सम्रोम ने जवाब दिया है, ये तगड़ा जवाब दिया है। हरा देखो दिख रहा है बाबू, तुमको समझ में नहीं आता है? कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आता तो सरवाने, कोई बात नहीं है, सब कोई सब चीज नहीं आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, इसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं। अच्छा दांत का कलर किस प्रकार से होता है? सफेद। सफेद, उसी तरह पेड़ का पौधा कलर कैसा होता है, पत्ते कलर कैसा होता है, कैसा होता है? फिर भूल गया, अभी अभी बताया नहीं है बाबू, ये बाबू अभी बताया था। पेड़ का पत्ता कैसा कलर का होता है बाबू? हरा। हरा देखो, क्या कौन सा कलर होता है? हरा। अच्छा मुझे ये बात बताओ, भारत में कितने राज्य हैं? पता है? नहीं पता। अच्छा तुम किस देश में रहते हो? झारखंड। झारखंड, झारखंड तो एक राज्य हो गया ना, देश में कौन सा रहते हो, कौन सा देश? हमारा देश का क्या बोलता है, राजधानी कहाँ पर है? रांची। रांची, झारखंड देश की राजधानी है, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, लेकिन भारत देश का राजधानी कहाँ है, किसी को पता है? नई दिल्ली। नई दिल्ली, ये वो बहुत होशियार है, मुझे बोल रहा था मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ लेकिन सब जवाब दे रहा है बाबू, पता है ये बहुत मुझे मतलब बेवकूफ बना रहा है कि मैं नहीं पढ़ता हूँ लेकिन सब इसको तगड़ा तगड़ा। अरे बाबू तुम जो जवाब दे रहे हो ना, ये अच्छे अच्छे लड़के सब नहीं दे पाता है, तुम तो इतना भी जवाब दे रहे हो, और ये सब तो खैर बच्चे सब हैं, इन लोगों को थोड़ा जवाब नहीं आता है। मैं और सब क्वेश्चन में ट्राई करूंगा, सबसे पूछूंगा, और जो तगड़ा जवाब देगा उसको तगड़ा जवाब इनाम भी दूंगा, लेकिन कोई तगड़ा जवाब दे ही नहीं पा रहा है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, झारखंड में कितने राज्य हैं? सब कोई भी ट्राई करो तो, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ये तगड़ा जवाब दिया है, मतलब तुमको पता है, और तुम बोल रहे हो मैं नहीं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई तो नहीं किया लेकिन कौन सा क्लास तक पढ़ाई की हो? 7th। लॉकडाउन से छोड़ दिया क्या? हाँ। क्यों छोड़ दिया? बाद में पढ़ाई मन। पढ़ाई, अरे पढ़ाई मन किसी को नहीं लगता है यार, मन लगाना पड़ता है ना, काम भी करने मन थोड़ा लगता है, मन लगाना ही पड़ता है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, ये कौन सा नदी है? सुगाथन, यही नदी है क्या? हाँ। अच्छा चलो, थोड़ा बारिश हो रहा है, चलो वीडियो बंद कर।